और वही कानपुर के बर्रा थाने में हंगामे की खबर आते ही समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई और योगी सरकार में अराजकता और अपराध का बोलबाला होने का आरोप लगाने लगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार की आंधी है। देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट किया है, लिखा कि योगी जी आपके नेतृत्व में यूपी सुशासन नहीं अराजकता के हवाले हो गया है। गुंडे भाजपाइयों एवं भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की साठगांठ से भ्रष्टाचार और अराजकता और अपराध का बोलबाला है। देखिए सपा का मीडिया सेल भाजपा पर यहां पर हमलावर होता हुआ नजर आया। योगी जी आपके नेतृत्व में यूपी सुशासन नहीं अराजकता के हवाले हो गया है। गुंडे भाजपाइयों और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की साठगांठ से भ्रष्टाचार और अराजकता और अपराध का बोलबाला है। चलिए विस्तार से आपको एक बार मामला समझा देते हैं। 5 जून को कानपुर में सपा भाजपा समर्थकों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष के परिजनों ने मामले में सुलह करा दी। सुलह के बाद भी हमला हुआ जिसमें युवक की हाथ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का फर्जी केस का आरोप लगाते हुए ये थाने में नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला फर्जी केस का आरोप लगाते हुए ये हंगामा, देखिए किस तरीके से आक्रोश यहां पर साफ तौर में कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। 5 जून को कानपुर में इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। और लोकसभा चुनाव को तैयारियों को लेकर सपा जुड़ गई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर अभियान चलाएगी पार्टी। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक होगी। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है। विपक्ष पार्टियों को एकजुट होकर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, ये बड़ा बयान सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का। चुनाव की रणनीति को लेकर आज बड़ी बैठक भी होने वाली है जिसको लेकर तमाम मुद्दों पे यहां पर मंथन होगा। होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों की बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ आगामी चुनाव की रणनीति तय करी जाएगी। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें हम लोग जीतें, केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली करी थी जिसके कारण वो नगर निकाय के चुनाव जीती है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सभी क्षेत्रों में पोलिंग और बूथ स्तर तक सूची को ठीक करने का काम कर रही है ताकि किसी भी मतदाता का नाम छूट ना पाए और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये आवश्यक है कि सभी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।